श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा कि हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाइए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप निस्संदेह आपको भी लगेगा। क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोषपूर्वक आदेश दिया, हे विधो, गुरु की भार्या को वापस दे दो। देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा गुरुवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के पूर्व दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चरु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदनंतर मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है, वह
वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवन, आपने जो यह कहा कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई दो ब्राह्मण थे, वे मामा भांजे थे। उदर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने वहां बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब उसी रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है, अतः आज से जो कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है।